अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम वेक्टर टेंसर से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू स्फीयर एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स जी माइनस फोर एट पॉइंट टू माइनस टू एंड थ्री। सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स जी माइनस फोर। अब हमने इनके पार्शियली डेरिवेटिव लेने हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स के लिहाज से इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमारे पास टू एक्स वाई प्लस आपके पास टू जी एक्स के लिहाज से एक्स के डेरिवेटिव वन कॉन्स्टेंट का क्या आ जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ से पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स का जो रिज़ल्ट है वो टू एक्स वाई प्लस टू जी आ गया। इसी तरह हम पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स के एज ए कॉन्स्टेंट वाई का वन प्लस ये सारा ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वाई नहीं है और कॉन्स्टेंट का भी ज़ीरो। इसी तरह पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जब हम जी के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास टू एक्स बच है। अब इसके जो पॉइंट दिए हुए हैं ऐड पॉइंट क्या दिया हुआ है हमारे पास टू माइनस टू एंड क्या हुआ है थ्री दिया हुआ है। जब हमने इसका नॉर्मल सरफेस यूनिट फाइंड करना है तो उसके लिए हमें डाइवर्जेंस डॉट एफ फाइंड करना पड़ेगा। डाइवर्जेंस डॉट एफ यहाँ पर इसका मतलब ये है कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी ये किसके इक्वल होता है के इक्वल होता है। अब हमने पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स भी निकाला है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई भी निकाला है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी की वैल्यू भी निकाली है। अब इस फंक्शन में इन वैल्यूज़ को पुट करके साथ ही इसकी हम क्या करेंगे ये जो पॉइंट है ये पुट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पार्शियल एफ ओवर इसको इक्वेशन वन का नाम दे देते हैं पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स ये फाइंड करते हैं एट पॉइंट। ये क्या है हमारे पास पॉइंट टू माइनस टू एंड थ्री इक्वल टू, तो यहाँ पर टू एक्स की जगह टू पुट कर देंगे, वाई की जगह माइनस टू पुट कर देंगे, प्लस टू जी की जगह थ्री। जब इसको सॉल्व करेंगे टू और ये माइनस एट प्लस सिक्स इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा माइनस टू। यहाँ से जो रिजल्ट है इसका वो आ गया हमारे पास माइनस टू। इसी तरह अब हम फाइंड क्या करेंगे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई एट पॉइंट, इसमें भी हमारे पास टू माइनस टू थ्री है तो यहाँ से ये वाई की वैल्यू एक्स स्केयर है टू ही है, टू का स्केयर क्या आ जाएगा फोर। इसी तरह पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी एट पॉइंट टू माइनस टू थ्री, यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू रह जाएगी तो ये हमारे पास क्या है फोर। इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम इस इक्वेशन में जाके यहाँ पर पुट करते हैं तो जो हमारे पास पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स आई है ये किसके बराबर है हुआ है, ये हमारे पास है माइनस टू और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई ये किसके हैं फोर के बराबर, ये भी फोर। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा रिजल्ट क्या आ जाएगा यूनिट सिक्स आ जाएगा। सिक्स जो है यहाँ पर हमारे पास क्या है एक यूनिट फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद हमारे पास ये जो इक्वेशन वन है तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास आ गया माइनस टू आई प्लस फोर जे प्लस आपके पास फोर के। अब हम सबसे पहले इसकी लेंगे यहाँ पर मैग्नीट्यूड डाइवर्जेंस डॉट एफ, इसकी जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा टू का स्केयर क्या आ जाएगा फोर, फोर का स्केयर सिक्सटीन, फोर का स्केयर सिक्सटीन, तो यहाँ से फोर ट्वेंटी और ये क्या आ जाएगा थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स का स्केयर रूट क्या है सिक्स। क्योंकि हमने यूनिट सरफेस फाइंड करना है, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस फाइंड करना है तो इसलिए हमें इसके मैग्नीट्यूड लेनी पड़ी क्योंकि हमने यूनिट इसमें से फाइंड करना है। अब अगर हम इसका यूनिट फैक्टर फाइंड करते हैं तो यूनिट फैक्टर का अगर आपके पास फार्मूला इस तरह होता है यू बाय यू की मैग्नीट्यूड यूनिट फैक्टर, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जब हम डाइवर्जेंस ऑफ एफ फाइंड करेंगे तो जब इसका हम यूनिट नॉर्मल टू सरफेस फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम इसको फिर लिख सकते हैं कि डाइवर्जेंस एफ ओवर डाइवर्जेंस ऑफ एफ की मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास ये क्या है ये असल में हमारे पास क्या है माइनस टू आई प्लस आपके पास फोर जे प्लस फोर के अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा सिक्स।
अब इसको हम डायरेक्शन इसकी भी फाइंड कर देते हैं, तो 2i के बटे में हम क्या लिख देते हैं 6 अलग, 4j के बटे में 6 अलग, 4k के बटे में 6 को अलग कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 ओवर 3i वेक्टर, 2 ओवर 3j वेक्टर, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2k ओवर 3, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, k वेक्टर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने यूनिट नॉर्मल टू स्फेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूफ दैट डाइवर्जेंस डॉट आर इक्वल टू 3, ये 3 के इक्वल कैसे है इसको प्रूफ करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं जो आर है वो किसके इक्वल होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस आपके पास जी के, और जो डाइवर्जेंस होता है वो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी आपके पास किसके इक्वल होता है, के के इक्वल। अगर हम कहते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर आर जो है एक्स वाई जी का एक फंक्शन है, अगर इसको हम फंक्शन फॉर्म में लिख दें या इसको हम डाइवर्जेंस डॉट आर भी लिख दें, तो यहाँ से हमारे पास पार्शियल ओवर ये पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स आई डॉट आई वन के इक्वल, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ओवर पार्शियल वाई पार्शियल जी ओवर पार्शियल आपके पास जी आई डॉट आई वन के इक्वल जे डॉट जे के डॉट के वन। अब इसके लिहाज से अगर इसका डेरिवेटिव लें, ये सिमिलर है कट जाएंगे, या डेरिवेटिव भी लें एक्स के लिहाज से तो एक्स का वन, वाई के लिहाज से वाई का वन, जी के लिहाज से जी का वन, तो यहाँ से इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। यही हमने यहाँ से प्रूव करना था कि डाइवर्जेंस डॉट आर इक्वल टू 3। थैंक यू।